हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कोलार स्थित बीमा कुंज पर हिंदू सेना के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए बताया कि हिंदू सेना नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करती है, क्योंकि इस कानून से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, जिन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता था। वहीं उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर की सड़क पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को गलत बताया और शासन प्रशासन से रास्ते पर बैठे लोगों को बलपूर्वक हटाने की मांग की। ऐसी घटना यदि अश्लीलता फैलाना एक कानून गैर कानूनी काम है, उस पर एक एक्ट है, लॉ है। मैं हिंदू सेना के कार्यकर्ता ऐसे कहीं पे भी कोई घटना देखेगी कि कानूनन रूप से पुलिस प्रशासन का सहायता लेके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा है, कहीं पे भी रास्ता रोककर धरना देना उचित नहीं है। यदि ऐसा कहीं पे भी रोका जा रहा है रास्ता, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून के खिलाफ है। पुलिस और प्रशासन सख्ती से निपटे, लाठीचार्ज करना लाठीचार्ज करे, क्योंकि रोड रोककर धरना देना कहीं पे भी अलाउ नहीं है। आप रोड नहीं रोक सकते, किसी का रास्ता रोकना अपने आप में ऑफेंस है। यदि कहीं पे भी पूरे प्रदेश में कहीं पे भी सीए के नाम से रास्ता रोका जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सख्ती से निपटे, सख्ती से रोड को साफ कराए। यदि लाठी चार्ज करने की नौबत आए तो लाठी चार्ज किया जाए, लेकिन आम लोगों का रास्ता खोला जाए।